देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो, लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे, अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बातें हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। लेकिन ये जीत की शुरुआत हो गई है पटना से, पटना की भूमि से, और हम सबको एक साथ लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी ली थी नीतीश कुमार जी, लालू जी, आप सभी ने। मैं अब नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनती करता हूँ, आपकी बात रखिए, वहाँ ही माइक है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं, आप कर लीजिए। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है, इसके पहले दो मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है, और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई, और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है, और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती, कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है, आइए कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा, और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है, और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है, आज जो जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है, तो ये ना हो गया, इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा, और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो, लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे, अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना ना पड़ेगा
इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।